बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आज की हमारी वीडियो रबीउल अव्वल के मुतालिक है। रबीउल अव्वल का चांद देखकर आपने इस अमल को करना है। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर करता चलूँ कि चांद को देखकर वज़ायफ़ करने से मुराद क्या है। जिन वज़ायफ़ में कहा जाता है आप रबीउल अव्वल का चांद देखकर इस अमल को कर लीजिएगा, उनका असल मकसद क्या है? असल ये है कि जब आपको रबीउल अव्वल का चांद नज़र आने की इत्तला मिल जाए तब आप इस अमल को कर लें। अगर आप ख़ुद देख सकते हैं, आपको नज़र आ जाता है तो बहुत बेहतर है, सुन्नत है। आप मसनून दुआ पढ़ लीजिए नया चाँद देख कर। तो लेकिन अगर आप नहीं देख पाते तो इसका ये मतलब नहीं कि आप ये वजीफ़ा नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, आपने करना सिर्फ इतना है कि जब आपको इत्तला मिल जाए बस आप इस अमल को कर लीजिए। और अमल बहुत आसान है, मेरे साथ ज़िक्र करना है। चंद बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, हिदायात हैं, वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको वक्त बता दूँगा। आपने उस वक्त पर मेरी वीडियो को जब चांद नज़र आने की इत्तला मिल जाए उसके बाद किसी भी वक्त आप इस अमल को करेंगे। और एक वजीफ़ा, आसान वजीफ़ा ऑफिशियल पर भी इस ज़िक्र का अपलोड होगा, आप उसको भी कर लें तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मेरी ये कोशिश होगी कि एक दो वज़ायफ़ ज़िक्र के हों, कम अज़ कम एक वजीफ़ा तो दोनों चैनल्स पर ज़िक्र का हो जाए और बाकी 60 वज़ायफ़ साथ हर तरह के मसाइल के लिए स्टार्ट किए जाएँ तो इंशाल्लाह इसका आगाज़ किया जाएगा। आज के अमल की तरतीब की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़, इस अमल की इजाज़त के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें अगर आपको सब्सक्राइब करना आता है। अगर आपको इल्म नहीं कैसे सब्सक्राइब करते हैं तो आप वैसे भी इस अमल को कर सकते हैं। अमल का वक्त मैंने अर्ज़ कर दिया, आप चाँद नज़र आने के बाद अगर आप चाँद देख लें तो चाँद देख कर मसनून दुआ पढ़ कर फिर मेरे साथ साथ आपने इस ज़िक्र को प्ले कर लेना है। 3 बार दुरूद पाक मेरे साथ पढ़ना है, उसके बाद ज़िक्र करना है और फिर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी सबसे बेस्ट दुरूद पाक है, इसको अगर पढ़ा जाए बहुत फ़ायदा होता है। और जगह महसूस नहीं है, आप छत पे हैं, आप नीचे हैं, मुसल्ले पर हैं या चारपाई पर हैं, जैसे भी आप इस अमल को कर सकते हैं ईज़िली। लेकिन अगर आप मुसल्ले पर बैठ के कर सकते हैं या कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं तो दोनों सूरतों में आप वहाँ बैठे बैठे भी अमल कर सकते हैं। और ये भी किया जा सकता है कि मगरब की नमाज़ के बाद आप इस अमल को कर लें, चाँद नज़र आए या ना आए आप इस अमल को कीजिए। अगर चाँद नज़र आ जाए तो वेल एंड गुड, और अगर चाँद नज़र ना आए तो अगले दिन भी आप इस अमल को कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें एक मसले की बात मैं अर्ज़ कर दूँ, उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा अमूमी तौर पे आजकल घुटनों का मसला, जोड़ों का मसला और मोहरों का मसला होता है, रुकू सजदा करना बाज़ मस्तूरात मर्दों के लिए मुश्किल होता है, तो उसमें मसला ये है कि क़याम नमाज का फ़र्ज़ है। अगर आप खड़े होकर नमाज शुरू नहीं करते तो फिर आपकी नमाज नहीं होती। इसमें मसला ये है कि अगर कोई इंसान, कोई मर्द, कोई औरत 4 सेकेंड, 3 सेकेंड के लिए भी खड़ा हो सकता है तो वो बैठ के नमाज शुरू करेगा तो उसकी नमाज नहीं हो सकती। ये मसला ज़हन में रखिएगा, आपको क़याम करना फ़र्ज़ है, क़याम ज़रूर करना होगा। अगर आप बैठ के पढ़ते हैं, रुकू सजदा नहीं करते, फिर भी क़याम फ़र्ज़ है। ये मसला ज़हन में रखिए कि आपका जो उज़र है उस उज़र के अलावा बाकी फ़र्ज़ आप नहीं छोड़ सकते। इसलिए जो लोग बैठ के नमाज शुरू करते हैं, फ़र्ज़ नमाज को शुरू कर लिया बैठ के ही, क़याम नहीं किया, वो उन नमाज़ों को दोबारा लौटाएंगे, उनकी नमाज नहीं हुई। ये मसाइल सीखने के हैं। दूसरी बात यह कि एक बंदा खड़ा नहीं हो सकता लेकिन वो रुकू कर सकता है तो वो रुकू करेगा, ये फ़र्ज़ है। और एक बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता, रुकू भी नहीं कर सकता लेकिन सजदा कर सकता है तो ये बंदा सजदा करेगा, ये इस पर फ़र्ज़ है। ये बात याद रखिए, आपसे खड़ा नहीं होने हो रहा तो आप न रुकू करें न सजदा करें तो इस ये बात जायज़ नहीं है, इससे आपकी नमाज नहीं होगी। हाँ, उज़र है, ना आप रुकू कर सकते हैं, ना आप सजदा कर सकते हैं, ना आप खड़े हो सकते हैं, तो कोई हर्ज नहीं।
फिर गुंजाइश है, लेकिन आप खड़े हो सकते हो तो बैठ के नमाज़ नहीं शुरू कर सकते। अगर 10 सेकंड भी आप खड़े रह सकते हैं, अल्लाहु अकबर कहकर सुभानक अल्लाहुम्मा इतना भी पढ़ लें, या अल्लाहु अकबर खड़े होकर कहें, आपका क़याम हो गया, आप फिर भी बैठ जाएं तो आपका फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा। इसी तरह रुकू और सजदा, अब इसमें मज़ीद डिटेल आप अगर आप बैठ के पढ़ते हैं तो आप उलमा से पूछ सकते हैं। और अमल की तरतीब की तरफ मज़ीद बढ़ते हैं। ये मैंने इसलिए अर्ज़ कर दिया कि बहुत से लोग ऐसे हैं, आजकल तो बस सेहतें रही कोई नहीं, तो अमूमी लोग जो सुन रहे होंगे अक्सर को यही मसला होगा, तो इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, क्योंकि नमाज ही नहीं हुई तो आगे वजीफ़ों का क्या फ़ायदा होगा। दूसरी बात यह कि इसमें मज़ीद कोई शरायत नहीं है, महसूस अय्याम में भी आप इस अमल को कर सकते हैं। तो आइए अमल का आगाज़ करते हैं। नेक्स्ट भी आप वीडियो यहीं से प्ले कर लीजिएगा, आँखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए। एक बार हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, फिर दो मुख्तसर दुरूद पाक हैं वो पढ़ेंगे, फिर हम ज़िक्र करेंगे और उसके बाद हम दोबारा दुरूद पाक पढ़ेंगे। तो आँखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए, अब दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم। अब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह का मेरे साथ ज़िक्र करना है, उसके बाद आप दुआ करेंगे और दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें बेस्ट है, वरना कोई भी दुरूद पाक पढ़ेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र अगर आप एक दिन, जिस दिन चाँद नज़र आया उस दिन आपने अमल किया तो फिर 11 मरतबा, और अगर उससे अगले दिन चाँद नज़र आया है तो 22 मरतबा, और अगर आप चाहें तो 33 मरतबा भी इसको कर सकते हैं। तो मैं 10 से 20 के दरमियान मुख्तसर सा करूँगा इंशाल्लाह, मेरे साथ आप ज़िक्र कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله। मज़ीद आप ज़िक्र करना चाहें कर सकते हैं, और अगर दूसरी नमाज के बाद फिर ये ज़िक्र करना चाहें फिर भी कर सकते हैं। आसान वजीफ़ा ऑफिशियल पर भी ऐसे ही ज़िक्र अपलोड होगा, आप वहाँ से भी रबीउल अव्वल का चांद देकर जो अमल करना है उसको भी कीजिए, और सफ़र का महीना ख़त्म होने से पहले पहले एक अमल वो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, उसको भी ज़रूर कीजिएगा। मुबारक घड़ियाँ आने वाली हैं, इनका पूरा पूरा फ़ायदा उठा लिया जाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।